Shri Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Jaya Jaya Vighan Har Hanuman Jaya Jaya Vighan Har Hanuman Jaya Jaya Siddhi Karan Hanuman Jaya Jaya Siddhi Karan Hanuman Kaushalya ke pyare Ram कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम संतन के रखवारे राम संतन के रखवारे राम Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram धर्म की अधर्म का निराश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज की जय हो, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्र आनंद गिरी जी महाराज की जय हो, तीर्थ राज प्रयाग की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, समस्त संत गणों की जय हो, समस्त भक्त गणों की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस कुंभ के अवसर पर हम और आप तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हुए हैं। प्रथम प्रणाम तीर्थराज प्रयाग को हम और आप करते हैं, जिनकी कृपा से हम और आप यहाँ भगवत चर्चा करने में सामर्थ हो पा रहे हैं। हमको ऐसा अवसर तीर्थराज प्रयाग प्रदान कर रहे हैं। माता गंगा, जिनकी गोद में बैठकर इस समय हम और आप कल्पवास भी कर रहे हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं। तत्पश्चात परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यागिरी जी महाराज, प्रभु की प्रेरणा उनमें और उनके आशीर्वाद से इस शिविर में अनवरत, इससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन आपने किया। तत्पश्चात श्री राम कथा की चर्चा भी हम और आप कर पा रहे हैं। महाराज जी का तपस्या है, उनका आशीर्वाद है। समस्त संगीत पर विराजमान विद्वजन, बहुत सुंदर अभी वो लोग नामान्य प्राण का पाठ किए। तत्पश्चात भजनों के माध्यम से आपको भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास किया। हमारे सब आचार्यगण, संत महात्मा एवं आप सब पधारे हुए तीर्थराज प्रयाग में भगवत कथा के रसा स्वाद, भगवत चर्चा के रसिक श्रोताओं, आइए माताओं बंधुओं, अब हम लोग प्रसंग पर थोड़ा सा और आगे होकर के चलते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी अयोध्या कांड थोड़ी और चर्चा आज कर लें। माताओं बंधुओं, चक्रवर्ती सम्राट के पास जैसा कल हम लोगों ने चर्चा किया, माता के कई पहुंच चुकी थी, उन्होंने अपना मन बना लिया था। राजा जी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि माता कैकेयी के मन में क्या है। राजा जी के मनाने पर, बहुत निवेदन करने पर, अंत में जब माता कैकेयी समझ गई कि राजा जी ने श्री राम की प्रतिज्ञा, उनकी कसम, उनकी सौगंध ले ली है, तब माता कैकेयी ने मौका देख करके वरदान मांग लिया। सबसे पहला वरदान मांगती हैं वो कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु हरषि भर तही टीका। भरत जी को टीका कर दीजिए, राज्याभिषेक कर दीजिए। यहाँ तक बात तो ठीक थी, लेकिन आगे जब दूसरा वरदान मांगती है माता कैकेयी कि मांगो दूसर बर कर जोरी, और पुरबऊ नाथ मनोरथ मोरी। प्रथम वरदान में ऐसा कुछ बोलने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि माता कैकेयी को भी इस बात का आभास है कि वरदान तो दूसरा कठिन है, पहला वाला तो फिर भी आसान है। क्या मांग रही है? कह रही है तापस बेश और विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को माता कैकेयी ने मांगा। माताओं, बंधुओं, राजा जी की तो स्थिति मैं क्या बताऊं आपको। उनकी स्थिति गोस्वामी जी ने इतनी दीनहीन लिखी, माथे हाथ मूंदी दो लोचन और तनु धरी सोच लागी जनु सोचन। मानो सोच ही शरीर धर के सामने बैठ गए हो। मस्तक माथे पर हाथ रख के झुका लिया अपना सिर, और तब तक माता कैकेयी देख रही हैं। गयौ सहम नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू और दामिनी हतेउ मनहु तरु तालू। चक्रवर्ती सम्राट देख रहे हैं ये क्या हो गया। कौने अवसर का भयो, गयौ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समौजी में जति ही अवेद्यानाश। क्या सोचा था, क्या स्वप्न देखा था, और कैकेयी माता ने, कैकेयी मेरी रानी ने इस प्रकार से धोखा मेरे साथ कर दिया। अरे कैकेयी, चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं कैकेयी ऐसा मत करो, वरना आने वाली पीढ़ी कभी किसी नारी पर विश्वास नहीं करेगी। किसी को कोई वचन नहीं देगा व्यक्ति, किसी स्त्री को, कि न जाने क्या वरदान मांग ले, ऐसा मत करो। बहुत समझाया चक्रवर्ती सम्राट ने। ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत प्रसंग है माताओं बंधुओं। अरे समझाना तो दूर है, पैर तक पकड़ लिए थे माता कैकेयी के, चरण पकड़ लिए, चरणों पे गिर गए थे चक्रवर्ती सम्राट। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, कि जनी दिन कर कुल हो वो कुठारी। मैं तुम्हारे पैर पड़ लेता हूँ। मांगू माथ अब ही देऊ तो ही, लेकिन राम बिरह जनी मारे सिमोही। ऐसा मत करो कि कहीं मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम इस बात को समझती हो, फिर इस प्रकार से क्यों मेरे साथ अत्याचार कर रही हो। कैकेयी आप यही चाहती है ना कि भारत का राज अभिषेक होगा, मैं भारत का राज अभिषेक करूंगा। मैंने कहा, मना किया कि भारत का राज अभिषेक नहीं होगा, लेकिन राम के साथ ऐसा अत्याचार मत करो। और तुम नहीं जानती है, तुम राम के साथ अत्याचार नहीं कर रही, मेरे साथ अत्याचार कर रही हो। चक्रवर्ती सम्राट ने क्या निवेदन नहीं किया। अंत में यहां तक भी कहा कि ये राम की बात नहीं, मेरी बात है। कैकेयी, यह संभव हो सकता है कि मछली बिना जल के रह जाए, और यह भी संभव हो सकता है कि सर्प बिना फनी के सुखी रह जाए। लेकिन कहूं स्वभाव न छल मन माही, कि जीवन मोर राम बिनु नाही। मैं नहीं रह सकता कैकेयी, इस बात को आप विचार करिए, एक बार और विचार कर लीजिए। बहुत बहुत हाथ जोड़े माताओं बंधुओं। अंत में जब माता कैकेयी ने कह दिया कि देखिए, आपको भरत जी के राज्याभिषेक की जितनी प्रसन्नता नहीं है ना, उससे ज्यादा हमें लग रहा है कि आपको राम जी के वनवास का दुख हो रहा है। भरत जी की तो बात ही नहीं कर रहे इतनी देर से, आप भरत जी के बारे में कुछ नहीं कह रहे आप। कितनी सुंदर बात चक्रवर्ती सम्राट ने कही। उन्होंने कहा कैकेयी ऐसा मत समझना कि मुझे भरत से प्रेम नहीं है। मोरे भरत राम दो आँखी। देखिए, एक बात सदैव याद रखिएगा, रामचरितमानस में कोई भी अर्धाली उठा लीजिए, जिस अर्धाली में जहां पे राम हो और भरत हो, अलग अलग अर्धाली, और किसी भी अर्धाली, किसी भी दोहे में भरत जी की जगह राम जी को फिट कर दीजिए, और राम जी की जगह भरत जी को फिट कर दीजिए। आपको कहीं पर भी मात्रा में गड़बड़ नहीं लगेगा, चौपाई गाने में दिक्कत नहीं आएगी। कहीं पे भी आप उठा करके राम ही बंधु सोच दिन राती, भरत ही बंधु सोच दिन राती, भरत ही हो ही न राजमद विधि हरिहर पद पाए, राम ही हो ही न राजपद विधि हरिहर पद पाए। आप मात्रा बदल लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा राम और भरत में। इतना माने, इससे ज्यादा और कितना दिखाएं। राम ही भरत ही मोहि कछु अंतर काहू, भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में स्वयं इस बात को कहा है। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट अगर ये भी कह देते अर्धाली में कि कैकेयी आप चिंता मत करो, मोरे राम भरत दो आखी सत्य कहूं लखी शंकर साखी, तो कुछ बिगड़ नहीं जाता अर्धाली में, लेकिन बिगड़ जाता परिवार में। माता कैकेयी कहती वाह इतना राम से प्रेम कि नाम भी ले रहे हो तो पहले राम का नाम ले रहे हो, बाद में मेरे बेटे भरत का ले रहे हो। ये ध्यान रखने के लिए चक्रवर्ती सम्राट बहुत संभल के कह रहे हैं कि कैकेयी मोरे भरत राम दो आखी और सत्य कहूं लखी शंकर साखी, भगवान शंकर की सौगंध है, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन माता कैकेयी नहीं मानी तो नहीं मानी, तो जब नहीं मानी माता कैकेयी ने आखिरी फरमान जारी कर दिया। सारी बात एक तरफ राजा जी, अब मैं केवल आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाहि तो मोर मरन राउर अजस नृप समझिए मन माहि। ध्यान दीजिएगा, माता कैकेयी के मन में स्वार्थ भरा है माताओं बंधुओं, और जब व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के अंदर स्वार्थ भर जाता है ना, जब वो सोचता है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको कितना भी समझाइए कि आप जिस जिद पे अड़ गई हैं, जिस स्वार्थ जो स्वार्थ आपको लग गया है, उसके एडवर्स इफेक्ट सोचे आपने, माने उसकी खामियां क्या है समझा आपने, क्या हो सकता है उसके उसके एवज में ये समझा आपने। माता कैकेयी समझने को तैयार नहीं, क्या देखिए दोहे में ही समझ में आएगा। माता कैकेयी ने कहा देखिए ऐसा है, होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाहि तो मोर मरन और राउर अजस नृप समझिए मन माही। माने यदि राम जी चले नहीं गए तो माता कैकेयी का मरण हो जाएगा और राजा का अबजस हो जाएगा। ये तो माता कैकेयी सोच रही है, ये तो बोल रही है, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं दे रही कि यदि इसका उल्टा हुआ तो क्या होगा। राम जी यदि चले गए तो क्या होगा, नहीं गए तो बता दिया उन्होंने क्या होगा, तो जैसे नहीं गए तो जो होगा, चले गए तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा अगर माता कैकेयी कह रही है मैं मर जाऊंगी और आपका अपयश होगा, अगर राम जी नहीं गए और चले गए तो वही हुआ माताओं बंधुओं की, राव का तो मरण हो गया और माता कैकेयी का अपयश हो गया जीवन भर के लिए। माने सिक्के के दो पहलू हैं, वो नहीं देख रहे माता कैकेयी, केवल एक पहलू समझ रही हैं कि मैं मर जाऊंगी और आपका अपयश हो जाएगा, और राम जी चले गए तो उसका उल्टा हो गया, इनका अपयश हो गया जीवन भर। तोर कलंक मोर पछतावा तोर कलंक मोर पछताऊ मुएऊ न मिटही न जाई काहू फिर पछतई हैसी अंतो अभागी और मारे सी गाय नहारू लागी। अरे ये क्या कर रही हो कैकेयी, सिंह के लिए आप गाय का वध कर रही हैं। बड़ा सुंदर रूपक गोस्वामी जी ने बनाया। चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं कैकेयी आप सिंह के लिए गाय का वध करके उसका मांस परोस रही हैं। यहाँ सिंह कौन है, सिंह है भरत जी महाराज, भक्त शिरोमणि भरत लाल जी हैं सिंह। गाय कौन है, गाय है चक्रवर्ती सम्राट खुद, और मांस क्या है, मांस है अयोध्या जी का सिंहासन। चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं कि कैकेयी आप मुझको मार के ये अयोध्या जी का सिंहासन भरत जी को, भरत जी रूपी सिंह के लिए आप शिकार करके देना चाह रही है ना। तो कैकेयी याद रखना, सिंह दूसरे का मारा हुआ शिकार खाना तो दूर सूंघता भी नहीं है, गाय भी मर जाएगी, सिंहासन भी खाली रह जाएगा, माने मांस भी किसी काम नहीं आएगा, केवल हाथ लगेगा। तो फिर पछताई है सी अंत अभागी और मारे सी गाय नहारू लागी। हाथ जोड़े पैर पड़े बार बार विनय किया। माताओं बंधुओं, गोस्वामी जी कहते हैं, परे उराव कही कोटि निधि कि काहे सिकरसी निदान, लेकिन कपट सयानी न कहती कछु जागसी मनहु मसान। जैसे मसान में कोई जागता है ना जब, तो आपने देखा है जो मसान में जाके धूनी रमाते हैं, जो तामसिक तपस्या करते हैं साधना, तो एकदम वो बैठे रहते हैं किसी धुन में, उनके आगे पीछे आप चाहे उनको 50 बातें भी कहें, वो एक जुनून में बैठे रहेंगे, कुछ भी साधना लगाए हुए। तो वैसे ही माता कैकेयी के लिए मसान लिखा उन्होंने, माने कितना भी बोलो, कितना भी पैर पड़ो, कितना भी हाथ जोड़ो, वो अपनी धुन में बैठी हुई हैं, आंखें बस नीचे किए हुए, जिसे कहते हैं ढीठ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। माताओं बंधुओं, अब हुआ क्या जानते हैं, धीरे 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 सूर्य भगवान आने लग गए, रात कटने लग गई, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट कह रहे, अरे अरे और थोड़ा रुक जाइए, आज मेरे लिए रुक जाइए। हृदय मनाओ भोर जनी होई, राम ही जाई कहे जनी कोई, उदव करऊ जनी रवि रघुकुल गुरु, अरे अवध बिलो की होई चूल होई, और बाण में बाण लग रहे हैं मेरे हृदय में, अयोध्या जी को देखकर उदय ना हो सूर्य भगवान, आप मत उदय हो। तब तक क्या हुआ, बिलपतन रपहि भयउ भिनु सारा, समय किसी के लिए रुकाया गया, प्रातः काल होने लग गई। तो क्या हुआ, बोला बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, जय जयकार हो रही है माताओं बंधुओं। चक्रवर्ती सम्राट की आज जय जयकार हो रही है दरवाजे पे राजमहल के, कि राजा की जय हो। चक्रवर्ती सम्राट हो तो दशरथ जी जैसे जो राम जी को राज्य अभिषेक करेंगे, आज किसी को क्या मालूम के अंदर क्या पंचायत हुई, क्या प्रपंच हुआ है। तो पढ़ही भाट गुण गावही गायक, सुनत रपही जनु लागत सायक, और राजा जी को तो वो गान, वो प्रशंसा मानो तीर की तरह लग रहे हैं। मंगल सकल सुहाइना कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। ये तो पूर्वांचल की ही प्रथा है, आप लोग जानते हैं, सहगामिनी विभूषण जैसे। क्या उपमा दी है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माताओं बंधुओं। जब जब किसी के यहाँ, भगवान न करे, किसी के यहाँ नौ युवक, बिल्कुल नौ दंपति हो और पतिदेव चले जाए, मान लीजिए साल 2 साल 5 साल में देहांत तो हो जाए पतिदेव का, तो हमारे यहाँ प्रथा है दसवीं के दिन कि दसवीं के दिन महापात्र को दान दिया जाता है। प्रयाग में हम लोग देते हैं माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, प्रथा है ये। तो जब महापात्र को दान दिया जाता है ना, तो जो धर्म पत्नी होती है वो उसी प्रकार से बन संवर के आती है, जैसे वो बन संवर के आई थी अपने विवाह के दिन। उसी प्रकार से वो आभूषण पहनती है सारे, उसी प्रकार। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, कितने भी आभूषण क्यों ना पहन ले, अरे 1 महीने बाद ही क्यों ना देहांत हुआ हो पतिदेव का, नई नवेली दुल्हनी क्यों ना हो, कितने भी आभूषण पहन के वो क्यों ना आ जाए, लेकिन क्या वो सुंदर लगती है, कहीं से रूपवती लगती है उसका रूप। तो आज उसी प्रकार से सारा दान अयोध्या जी का लग रहा है, सारी जय जयकार राजा जी को उसी सहगामिनी के आभूषण की तरह लग रही है कि मैं अंदर से क्या कर चुका हूँ, अयोध्या वासियों को मालूम ही नहीं है। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तो द्वार भीर सेवक सचिव, आप लोग स्नान करने जाते हैं ना गंगा जी में, संगम में, 3:30 बजे जाएंगे निकल के, तो 2, 5, 10 लोग रहेंगे, 4 बजे तक 20-25 हो जाएंगे, 4:30 तक और 50 हो जाएंगे, 5 बजे तक 100, 150, 200, 400 हो जाएंगे, 6 बजे तक तो भीड़ लग जाएगी। उसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त 4, 4:30, 5, 5:30, 6 बजते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है दरवाजे पे राजमहल के, और सब लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि राज्य अभिषेक कब होगा प्रभु श्री राम का। तो द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, कि जागे अजहु न अवधपति, कारण कवन विषेखी पछिले पहर। भूपुनित जागा और आज हम ही बड़ अचरज लागा। अरे राजा जी तो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले जागने वाले हैं। आज अभी तक दरवाजा नहीं खुला, अभी तक गेट नहीं खुला, कैसे जगाएं, क्या करें? अब ध्यान दीजिएगा, सब लोग तो नीचे सोच रहे हैं कैसे जगाएं, और सुमंत जी महाराज जो मंत्री हैं वो भी दरवाजे के बाहर टहल रहे हैं कैसे जगाएं कैसे जगाएं। अरे भाई सो रहे हैं राजा जी। एक बात सदैव याद रखिएगा, किसी आदरणीय व्यक्ति को जगाना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर वो विराम कर रहा है, सो रहा है, तो बहुत सत्य का बात कर रहा हूं, उसको जगाने के लिए कोई उसका खास ही व्यक्ति होगा तो जगा पाएगा, वरना अगर कह दिया कि वो विश्राम में है, वो सो रहे हैं, तो फिर इंतजार करिए। कोई खास ही होगा जिससे कहोगे आप ही अब जाके जगाओ, अरे बोलो बोलो बहुत जरूरी बात है, जाइए जाइए कहिए कहिए, उठाइए उठाइए, और कोई नहीं उठा सकता। तो उसी प्रकार सचिव सुमंत जी घूम रहे हैं, क्या करें कैसे जगाएं कैसे जगाएं। तब तक सबने कहा अरे घूम क्यों रहे हो सुमंत, अरे जाते क्यों नहीं हो, जगाओ ना, अंदर तुरंत जगाओ, जाओ जाओ सुमंत जगाओ जाई और कीजिए काज रजाय सुपाई, जाओ जाओ जल्दी जगाओ। तो सुमंत्री जी ने सोचा कि अब क्या जवाब दे सकता हूं, तो जाना ही पड़ेगा। राजा जी कहेंगे तो कह दूंगा महाराज सब लोग बहुत भीड़ लगी हुई, सब लोग परेशान हो रहे, क्या करता मैं। अंदर घुसे तो क्या देखते हैं जानते हैं माताओं बंधु? सुमंत्र जी महाराज की नजर पड़ी तो पहले बैठी है माता कैकेयी, खामोश बिल्कुल शांति मुद्रा में, और उनके बगल में लेटे हुए हैं चक्रवर्ती सम्राट मूर्छित अवस्था में। तो मूर्छित अवस्था में यदि सुबह सुबह कोई मूर्छित अवस्था में बैठा हो तो आप लोग यही सोचेंगे ना कि ये सो रहा है गहरी नींद में, ये थोड़ी समझेंगे बेहोश हो गया है। भाई अपने कमरे में लेटा है व्यक्ति बिस्तर पे तो आप ये सोचेंगे बेहोश हो गया है, सड़क पे जाके लेटेगा तो आप समझेंगे बेहोश हो गया है। उसी प्रकार से मूर्छित अवस्था में चक्रवर्ती लेटे हुए थे, माता कैकेयी बगल में खड़ी थी। सुमंत्र जी दौड़े राजा जी के पास कि राजा जी आप 3 बजे जाग जाते थे, आज 6 बजे तक आप लेटे, जरूर कुछ हुआ होगा। तो जैसे ही दौड़े ना तब तक माता कैकेयी ने रोक दिया, अरे रुको 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 सुनो सुनो। सुमन जी ने कहा क्या हुआ माता? माता कैकेयी जानते हो, माता कैकेयी कह रही जानते हो, परी न राज ही नींद निसी, रात भर नहीं सोए, रात भर नहीं सोए। तो सुमन जी ने कहा क्यों नहीं सोए माता? क्या बोलती जानते हैं? कहते हैं हे तू जान जगदीश, झूठ बोल दिया, रात भर प्रपंच किया है मिलकर के, रात भर झगड़ा किया है। लेकिन माता कैकेयी इस बात को जानती हैं कि सुमंत्र जी के अगर कान में भी ये बात पड़ गई ना तो मंत्री हैं, मंत्री सचिव हैं, और सचिव के पास वो पावर होता है कि राजा कोई आदेश दे और चाहे ना दे, उसको अपना बहाना लगा के, अपने नियम बता के, अपने क्लॉज बता के वो उसको पलट सकता है कि देखिए ये संविधान में नहीं है, ये इस प्रकार से आप नहीं कर सकते, इसके लिए पहले मीटिंग बुलानी थी और हम लोग रहने थे, आप इस प्रकार से। माता कैकेयी जानती हैं कि सुमंत्र जी महाराज गड़बड़ कर सकते हैं कुछ, इनको अभी पता ना पड़े, जब तक राम जी के कानों में वचन ना चला जाए तब तक सुमंत्र जी महाराज पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कहती है हे तू जान जगदीश, अरे माता कुछ तो मालूम होगा, हाँ इतना मालूम है कि राम राम रटि भोर किया कहीं न मरम महेश, केवल राम 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 कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे भी नहीं मालूम क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा तो क्या करूं? अरे कहा जिनका नाम ले रहे हैं उनको बुला के लाओ ना, उन्हीं को बताएंगे, जाओ जाओ जल्दी बुला के लाओ, जल्दी बुला के लाओ। लेकिन अब करे भी क्या, अपनी एक हैसियत है, औकात है, सचिव है, रानी कह रही हैं, राजा जी बगल में है, वो क्या कर लेते, जा रहे हैं राम जी को जाके बोलूंगा, राम जी से जाके बताना है। अब राम जी भी अपने भवन में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई आए, कोई आए तब ना हम जाए राज्याभिषेक के लिए, खुद तो जाएंगे नहीं, कोई बुलाने आएगा कि चलिए अब, तब चला जाता है। तो उसी प्रकार इंतजार कर रहे हैं कोई आए हमें बुलाने, तब तक देखते हैं तो सुमंत्र जी महाराज सामने से चले आ रहे हैं। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता समलेखा। अब राम जी से कहा आइए आइए प्रभु जल्दी चलना है आपको, चक्रवर्ती सम्राट ने बुलाया है। अब राम जी को लेकर के चले जा रहे हैं और दोनों इतनी हड़बड़ी में चले जा रहे हैं। देखिए आपके चलने के तरीके से पता पड़ जाता है कि आप बड़ी प्रसन्नता में चल रहे हैं कि चिंता में चल रहे हैं कि हड़बड़ी में चल रहे हैं कि धैर्य में चल रहे हैं। भाई धनुष टूटना था, परसों हम लोगों ने चर्चा की। तो जब धनुष टूटना था तो जितने राजा थे वो दौड़े थे, तमक ताकी शिव धनु धरे हैं। लेकिन राम जी कैसे चले थे? वो चले थे सहज ही चले सकल जग स्वामी, बहुत आराम से, मत मंजुबर पुंजरगामी, आत्मविश्वास से चले थे। लेकिन आज जब राम जी को लेकर के सुमंत्र जी चले जा रहे हैं तो सुमंत्र जी मानो राम जी का हाथ पकड़े हैं और पकड़ के जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं, चलो चलो राजा जी, क्योंकि जानते हैं कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, जल्दी चलो राम, आप ही को बताएंगे, चल के पकड़ के ले जा रहे हैं राम जी को। तो जितने लोग खड़े हैं अब वो भी इन दोनों को जब भागते हुए देखे तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई, अरे ये क्या हो रहा है, ये कहाँ भगा के ले जा रहे हो, बात क्या हो गई, इतने चिंतित क्यों जा रहे हो? तो सुमन जी ने सबको समझाया, अरे कोई नहीं, ले जा रहा हूँ। अब लेकर के पहुंचे चक्रवर्ती सम्राट। माताओं बंधुओं, चक्रवर्ती सम्राट अभी भी मूर्छित पड़े हुए। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज, सहमी गयौ लखी सिंघनी मनहु ब्रथ गजराज। जैसे कोई बूढ़े हाथी पे कोई सिंघनी चिंघाड़ जाए ना, तो वो किसी हाथी पे सिंघनी, तो हाथी का वजन बहुत होता है, हाथी सिंघनी चिंघाड़ती है, कई बार फिसल जाता है गिर के, और जब गिर जाता है ना तो उसके बस में नहीं रहता। जवान हाथी तो उड़ जाएगा, बूढ़े हाथी के बस में नहीं रहता कि उड़ के फिर भाग पाए, तो वो आत्मसमर्पण कर देता है। वही स्थिति है चक्रवर्ती सम्राट की कि उन्होंने माता कैकेयी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जाके देखा, अरे देखा राम जी ने, पिताजी इस प्रकार से दुखी मूर्छित है। माता से कहते हैं, माता क्या हो गया, पिताजी इतने दुखी क्यों लग रहे हैं, उनका चेहरा इस प्रकार से उतरा क्यों है? मोहि कहु मातु तात दुख कारण, और करिए जतन जेहि होई निवारण। अरे कारण बताइए, पिताजी के दुख का कारण बताइए। माता कैकेयी ने कहा, राम तुम सुन पाओगे कारण, जानते हो क्या कारण है इनके दुख का? कहा क्या? बोले सुनहु राम सब कारण ये हूँ, राज ही तुम पर बहुत स्नेह हो। केवल आपके प्रति जो अत्याधिक प्रेम है ना, वही कारण है दुख का। और माताओं बंधुओं, वैसे तो चक्रवर्ती सम्राट सुत विषयिक तव पदरति हो, ये बात तो मांग ही चुके हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, इस संसार में दुख का कारण अत्याधिक प्रेम ही होता है सांसारिक जीवों से। यहाँ तो प्रभु और चक्रवर्ती सम्राट की बात है, लेकिन हम लोग कथा में, भागवत कथा में न जाने कितनी आप लोग सुने भी होंगे, चाहे वो जड़ भरत जी की कथा हो, ना अत्याधिक प्रेम होता, ना वो कष्ट सहना पड़ता। और जितने भी आप देख लीजिए संसार में, हमारे जितने भी मोह के बंधन हैं, प्रेम के बंधन हैं, वही दुख देते। प्रेम करना हो तो परमात्मा से करो, केवल परमात्मा से।